ये तो कानून अभी भी है, नियम अभी भी है कि मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। ये तो नियम अभी भी है कि इस तरीके के फर्जीवाड़ों को रोका जाए और ये अपराध है। सवाल यह है कि जिस कठोर कानून की हम बात कर रहे हैं उस कठोर कानून में क्या क्या होना चाहिए, तीन बिंदु मुझे बताइए। और साथ में ये बताइए कि रीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली ना हो, ना पेपर लीक हो, ना फर्जीवाड़ा हो, ना बाकी चीजें। और रीट से जो 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी जुड़े हैं वो खुश रहे कि चलिए एक परीक्षा हुई सालों के बाद जिस पर कोई सवाल नहीं। देखो सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो, संदिग्ध लोगों को फोन ट्रेस करके पहले उठाया जाए, 144 धारा जो परीक्षा केंद्र वहां लगा दी जाए, नेट बिल्कुल बंद कर दिया जाए उस दिन। इसके अलावा जो पुलिस की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, हर परीक्षा केंद्र पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह तो बिल्कुल जांच ही नहीं की गई एसआई भर्ती में, क्योंकि कई बिना वैसे चले गए। तो ये सारी चीजें सामने आई है। एसआई भर्ती के अलावा रीट भर्ती सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, इसमें बेरोजगार का विश्वास टूट रहा है। इसके अलावा जो लोग गिरोह है इनको पकड़ना जरूरी है, इनके खिलाफ कानून सख्त कानून बनना जरूरी है, इनमें डर उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम गैर जमानती कानून होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि लगातार भर्तियों में यह घपला सामने आ रहा है। इनको जेल होनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कानून का भी कानून बनाना चाहिए, जिसलिए कि बेरोजगारों का भविष्य बच सके, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है, डमी अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है, नकल किया जा रहा है, इसके अलावा पेपर लीक हो रहा है। इसलिए 26 तारीख को राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा में सरकार को एक टोल फ्री नंबर भी जारी करना चाहिए। कोई भी शिकायत करे, पॉसिबिलिटी है कि बायोमेट्रिक शुरू किया जाए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, हो सकती है बायोमेट्रिक शुरू करो, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और हर जगह सुरक्षा होनी चाहिए। और यह है कि 144 धारा तो लागू करनी चाहिए, संदिग्ध व्यक्ति मिले उसको पकड़ के पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की परीक्षा है बेरोजगारों